आशाओं ने मुरादाबाद जनपद समेत प्रदेश भर की आशा कार्यरत और सहायिका लंबे अरसे से आंदोलनरत हैं। इसी को लेकर एक बार फिर से आशा कर्मचारी संगठन ने शनिवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और कहा कि संगठन के आह्वान पर 26 अक्टूबर को लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन है। इसमें शामिल होने के लिए मुरादाबाद जनपद की आशाएं भी जाएंगी, क्योंकि सरकार आशाओं की 9 मांगों को लंबे अरसे से लंबित किए हुए हैं। इसलिए आशाओं ने जिलाधिकारी से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक कोई भी विभागीय कार्य नहीं करेंगी, इसलिए 3 दिन का अवकाश देने का कष्ट करें। आशाओं की मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित कर सामाजिक सुरक्षा दी जाए और आशाओं को न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाए, योग्यता के अनुसार आशा को प्रवक्ता बनाया जाए, ब्लॉक में ठहरने के लिए आशाओं के लिए व्यवस्था हो, न्यूनतम वेतन 18,000 किया जाए। इस दौरान अध्यक्ष श्रीमती अनीता के अलावा गायत्री यादव, मुमताज जहां, परवीन शबनम, जमुना देवी, रमा देवी, मीना चंचल, रेणु अग्रवाल, चंद्रवती आदि रही। सर, ये हमारा धरना नहीं है। जो 26 तारीख में लखनऊ में हमारा आशाओं की जो रैली है उसमें सम्मिलित होने के लिए हम DM साहब के पास अपना लेटर लेके आए हैं। इनको लेटर देने के बाद हम वापस यहाँ से अपनी ड्यूटियों पे जाएंगे। अभी हमारा संचारी रोग का जो है सर्वे चल रहा है, तो सारी बहनें यहाँ से लेटर देने के बाद, ताकि वो भी हमारा साथ दें। और ये सही भी है कि हम पहले अपने सर को सूचित कर दें कि हाँ, हम अपने एरिया को छोड़कर हम कहीं बाहर जा रहे हैं किसी काम को करने के लिए। वहाँ से आशा बहनों का आह्वान आया है कि एकजुट हों और अपनी मांगों को लेकर के हम वहाँ पे बात रखें सरकार से। कहाँ पर ले लिए, क्या मांगे हैं? ये हमारी मांगे हैं कि हमको परमानेंट किया जाए। हम जो काम करते हैं, जो हमें एक तरीके से जो प्रोत्साहन राशि मिलती है हमें, वो टुकड़ों में मिलती है और इतनी कम होती है कि उससे खर्चा चलाना हमारे घर का बहुत, मतलब एक तरीके से कुछ भी नहीं है। इतनी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। 15-15 दिन का, 20-20 दिन का एक एक सर्वे होता है हमारा, जिसमें कि एक एक सर्वे का हमारा 100 रुपये आता है मात्र। चाहे हम दस्तक अभियान करें सर्वे, या हम संचारी रोग का करें, या हम कोविड का करें। कोविड में शुरू में कुछ पैसे आए थे, लेकिन अब वो भी आना बंद हो गया है। और इस समय जो हमारी कोविड की ड्यूटी लग रही है, हम सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 4 बजे वहाँ से आते हैं। इस समय हमारी कोविड का भी कुछ भी मानदेय नहीं है, मतलब कोई प्रोत्साहन राशि उसकी है ही नहीं। आज किससे मिला है? आज हम DM सर रूम मिलने आए थे, लेकिन अब शायद सर नहीं है यहाँ पे। हम ज्ञापन जाएंगे रैली में, हम यहाँ से 25 तारीख की शाम को जाएंगे। 26 तारीख में हमारा वहाँ जो धरना प्रदर्शन विशाल महा गार्डन में, ग्रीन गार्डन में जो चल रहा है धरना, वहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं। थैंक यू।